In this lesson, a primary teacher uses storytelling imaginatively to help students develop their understanding of biological adaptation. The story begins with a boy called Jojo swimming in a pond. अचानक पता है क्या हुआ? अचानक इसको एक ऐसा जानवर दिखाई पड़ा जिसको इसने कभी देखा ही नहीं था मतलब कभी इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं The teacher describes a very unusual animal that is also swimming in the pond. उस जानवर का शरीर तो बिल्कुल अजीब सा था ये था वो जानवर कैसा था ये जानवर क्या दिख रहा है इस जानवर में इसका मुंह जो है वो मछली की तरह था मुंह कैसा था मछली की तरह था और इसकी बॉडी जो थी वो घोड़े की तरह थी किसकी तरह घोड़े की तरह और इसकी पूंछ भी किसी दूसरे जानवर की तरह थी इस जानवर को जब उसने देखा तो वो उसके डर के कारण उसकी हालत खराब उसने दौड़ना शुरू Notice how the teacher walks round the class to show the small pictures to all the students ये जानवर तालाब के बाहर गिर गया और थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गया The teacher asks her students to think about why the unusual animal died when it came out of the water onto the land. क्योंकि इसका मुंह मछली की तरह था मछली की तरह मुंह होने से क्या मतलब रहा कि क्यों मर गया ये सांस नहीं ले पा रहा था अच्छा सांस नहीं ले पा रहा तो मछली कैसे सांस लेती है गलफड़ों से और ये जानवर कहाँ पे दौड़ रहा था जमीन पर सांस हम किससे लेते हैं फेफड़ों से स्टोरी जब हमने सोची थी उस टाइम पे ये था कि अगर हम आई न्यू दैट माय स्टूडेंट्स वुड ऑलरेडी नो अबाउट नॉर्मल एनिमल्स इन पर्टिकुलर हैबिटेट्स सो आई थॉट ऑफ चैलेंजिंग देम बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू और थ्री एनिमल्स एज अ कोलाज उनका बनाया कि अगर आई मेड अ कोलाज ऑफ एनिमल्स विद वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सरप्राइज्ड माय स्टूडेंट्स देखेंगे और उसको सोचना चाहेंगे आखिर ये है क्या और उस स्टोरी जब के बीच बीच में हम आई ऑल्सो थॉट अबाउट सम क्वेश्चंस टू कीप देम एंगेज्ड एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन टू दीज एनिमल्स इफ टेकन फ्रॉम देयर हैबिटेट अगर जिस हैबिटेट पे वो हैं अगर वहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उस हैबिटेट से निकल के दूसरे हैबिटेट में आए तो वहाँ पे जब वो डेथ हो आई वांटेड टू जज द एनालिटिकल पावर ऑफ माय स्टूडेंट्स उसको जज करना चाहती थी वो खुद क्या गेस कर पाते हैं During the story, the teacher asks open-ended questions to her students. Their answers help her assess their developing understanding of adaptation. क्यों मर गया ये जानवर? मैम क्योंकि उसकी त्वचा मोटी नहीं थी और The teacher asks individual students about the varied characteristics of animals that help them survive in different environments. तो ये तीनों चीजें किसमें पाई जाती हैं? पहाड़ी जंतुओं में और ये तीनों चीजें जिन जंतुओं में पाई जाती हैं वो उनको क्या फायदा होता है मैम वो ठंड से बच जाते हैं बच्चों हमने जो स्टोरी सुनी अभी ठीक है उससे क्या हमने सीखा आकांक्षा बताओ जानवर नपके होते हैं वो अगर ठंडी जगह पे जाएंगे गर्म जगह पे जाएंगे तो मर जाएंगे अच्छा अगर ठंडी जगह पे गर्म जगह पे चले गए तो वो ठंडी जगह के गर्म जगह पे चले गए तो क्या हुआ मर जाते क्यों मर जाते हैं क्योंकि मन अपने अपनी जगह पे ढाल लेते हैं अपने आप को अच्छा अपनी अपनी जगह पर यूजिंग स्टोरीज इज अ क्रिएटिव वे टू एंगेज स्टूडेंट्स विद साइंटिफिक आइडियाज How might this teacher develop the activity to give all students an opportunity to discuss the story and its ideas?